अभी जो है भाइयों बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मुझे मूली का खेती कैसे हो, इसके लिए हम कुछ उपाय बताना चाह रहे हैं, कुछ सलाह देना चाह रहे हैं किसान भाइयों को। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो बारिश का मौसम है इसमें होता क्या है, जो खेत में कहीं कहीं पर पानी खड़ा हो जाता है। पानी खड़ा होने से क्या होता है, जो अगर 8 से 10 घंटा ही पानी खड़ा रहा उसमें ही आपका मूली ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले खेत के लिए हम लाइनिंग का प्रक्रिया लगाएंगे, जैसे 18 इंची का लाइन बाय लाइन का, जैसे किसी खेत का हम अहरी बनाते हैं उस टाइप में लाइन का सिस्टम बना लेंगे। मोटा मोटी जो है 5 इंची खड़ा या 6 इंची खड़ा जो है हम खेत में 18 इंची पर लाइनिंग का व्यवस्था बनाएंगे। अब इसमें हम मूली का वैरायटी कौन लगाएं, बहुत सारे कंपनी का आता है पालक पत्ता, हाइब्रिड में भी आता है पालक पत्ता, जैसे नोबल का आता है मास्टर, कलस कंपनी का आता है सिर्फ पालक पत्ता नाम से ही आता है, ऐसा ही बहुत सारे कंपनी का पालक पत्ता हाइब्रिड में आता है। जो हाइब्रिड का वैरायटी आता है 28 से 30 दिन में, आप बुआई से लेकर 28 से 30 दिन के अंदर में उसमें से मूली उठा सकते हैं। इसके लिए जो है आपको पानी जो है खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे पहला बात तो ये ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप लौंग छेद की वैरायटी भी लगा सकते हैं, लौंग छेद की भी आपको पत्ता पालक की तरह ही होता है, ये सब कम दिन का वैरायटी है, ये तुरंत तैयार हो जाता है, यानी कि 30 दिन के अंदर में ही खारने वाला हो जाएगा।